एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैवलिंग फैमिली टीवी में। क्योंकि हमने आपको दिखाया कि मुंबई से माथेरन कैसे आना है, तो काफी सारे लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाई जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे होटल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। क्योंकि माथेरन एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है तो ऑब्वियसली होटल तो बहुत सारे हैं, पर कौन से होटल किस बजट में और कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये भी बिल्कुल मार्केट में ही है, मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है। ये है इनका बालकनी रूम, प्राइवेट सिट आउट है, बाहर बालकनी एक्सेस है। ये बेडरूम है और वो है बाथरूम। और अभी हम आ गए हैं प्रीमियम कैटेगरी ऑफ रूम में। बहुत ही स्पेशियस रूम है, अपने एक सोफा कम बेड है। अगर आपके साथ दो छोटे बच्चे हैं तो भी इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे, पर उनके प्राइसेस फूड के डिफरेंट हो जाएंगे। और ये है इनका बाथरूम विद बाथटब। अकोमोडेशन नीट है, बेटर अकोमोडेशन, मतलब अच्छी लगी मुझे प्रॉपर्टी। सफाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टी में, रूम में से अच्छी स्मेल आनी जरूरी है। और यहाँ पे है देखिए आई लव कुमार प्लाजा माथेरन और इनका पूल। और अब हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी रूम की। तो ये है स्टैंडर्ड रूम, साइज छोटा लगा मुझे। उन्होंने इसका प्राइस दिया है 2700 रूम का प्राइस है और 4100 में विद मील्स है। तो 4100 में एक कपल के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है जिसमें उनको तीनों मील्स मिल जाएंगे। रूम कैटेगरी अच्छी है ये। आमो द रिजॉर्ट, और यहाँ पे जाके हम एक्सप्लोर करते हैं क्या है रूम्स की ऑप्शंस और क्या कैटेगरीज के रूम अवेलेबल है। ये कौन सी कैटेगरी है? रीजेंट। हाँ? रीजेंट। नीट है बाथरूम। ये कवर्ड भी है। ये डीलक्स ड्यूप्लेक्स रूम है जिसमें ऊपर भी है और नीचे भी एक रूम है। यहाँ पे कैटेगरी काफ़ी प्रोमिनेंट है ड्यूप्लेक्स वाली, दो फैमिलीज इकट्ठे आके रुक सकती हैं, साथ में बाथरूम है। और यहाँ से ऊपर जाके कैटेगरी रूम की दूसरी भी है। हाँ, इस रूम के साथ बालकनी नहीं है, इस रूम के साथ तो यही सेट आउट है। तो ये अडामो रिजॉर्ट है, यहाँ पे मैंने भी आपको दो कैटेगरीज दिखाई हैं। एक है रीजेंट रूम, इसकी इन्होंने प्राइसेस बताए हैं 10,300 इंक्लूसिव ऑफ द थ्री मील्स फॉर अ कपल। और जो डुप्लेक्स कैटेगरी है जिसको इन्होंने विला का नाम दिया हुआ है, दैट इज 20,600 विद मील्स फॉर अ फैमिली और अ कपल, टू कपल्स। तो ये यहाँ के प्राइसेस हैं, आप अकॉर्डिंगली अपने लिए अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। ये है वेस्टर्न होटल और यहाँ पे है अटर्निया स्पा। बहुत ही उबड़ खाबड़ है तो पता नहीं लगता कब हम कहाँ पैर रख दें और कहाँ से हम गिर जाएं, तो बहुत ही केयरफुल होकर चलना पड़ता है यहाँ। ये अच्छी प्रॉपर्टीज में से एक है यहाँ की। यहाँ इन्होंने ये रिसेप्शन एरिया बनाया, यहाँ पे से छोटा सा हट है
जहाँ बच्चे ट्री हाउस की तरह खेल सकते हैं। ट्री हाउस हट है, पीछे स्विंग्स लगे हुए हैं, यहाँ पे प्ले एरिया है। ये इनका लग्जरी कैटेगरी का रूम है। बाथरूम भी नीट है, टाइडी है, एम्बियंस अच्छा लगा मुझे। अच्छी वेल मेंटेन प्रॉपर्टी है, गार्डन एरिया अच्छी तरह मेंटेन किया गया है, स्विंग्स लगे हुए हैं फॉर रिलैक्सेशन, यहाँ स्पा दिया हुआ है इन्होंने। वेल मेंटेन प्रॉपर्टी है, बार बार बता रही हूँ मैं आपको, अच्छी प्रॉपर्टी है। ओपन जिम भी प्रोवाइड किया हुआ है इन्होंने, टेंट वाला रूम भी है यहाँ पे, बट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो हम देख नहीं सकते प्रॉपर्टी को अंदर से। ये रूम ये फैमिली रूम है इनका, टू बेड्स हैं यहाँ पे, डबल बेड्स, और यहाँ बाहर भी इसमें सिट आउट है। और ये है सुपर डीलक्स कैटेगरी, देयर फैमिली इज बोर्न क्यूट। ये है केकी लॉज, और ये देख सकते हैं आप, ये है प्रॉपर्टी। ये एक पारसी मैनर बना हुआ है, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इट इज। यहाँ से मैं इसमें जा रही हूँ ऊपर। ये है रिसेप्शन कोर्टयार्ड, अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो अच्छी प्रॉपर्टी है, सीरियसली बता रही हूँ। बाकी तो ये है इनकी अटैच किचन, और ये है लाइव किचन, जैसे घर की होती है तो आप देख सकते हैं। ये है यहाँ पे हमारी केयर टेकर, इन्होंने खुद से खाना बनाया। आपका नाम क्या है? कुंदा। आप इधर ही रहते हैं? हाँ। तो ये कितने रूम्स हो गए, 1, 2 और 3? फोर्थ किधर है? दो रूम होंगे ना अटैच। अच्छा, वो वहाँ दो रूम्स है वो। ये सेम जैसे हमारा रूम है उस टाइप का रूम है। ये है द बाइक, अ होटल रिट्रीट। इनके पास पावर बैकअप भी है क्योंकि यहाँ पे रात को लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी। तो ये कॉटेज है, नीचे एक फ्लोर है वहाँ पे बेड और सोफा कम बेड है, ऊपर एक डबल बेड है, तो इजीली दो कपल्स रह सकते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे भी बाथरूम है सेपरेट। तो इसका रैक रेट है 11,000 रुपए। और ये है लग्जरी पूल व्यू रूम, स्पेस है इसमें अच्छा।
हमारे बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं। रेडवुड रिजॉर्ट और अब हम प्राइसेस यहाँ पे पता करते हैं। दो डबल बेड्स हैं इस रूम में, चार जने आराम से कह रहे हैं, पर बाथरूम सिंगल है। ये थे माथेरन के होटल और रिजॉर्ट्स। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर हुई होगी और आप डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको अपना माथेरन का स्टे कौन से रिजॉर्ट में, कौन से होटल में बुक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, जो लोग माथेरन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, उनकी भी मदद हो जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी भी मदद हो जाएगी। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर।